क्योंकि इसमें ह्यूमर बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा ह्यूमर है इसमें, लेकिन कॉमेडी टेक्निकली कॉमेडी नहीं है ये, इट्स मोर ड्रामा विद सेंस ऑफ ह्यूमर, या आप अगर वैसे बोलना है तो रियलिस्टिक कॉमेडी है, ह्यूमर बहुत ज़्यादा है लेकिन इट्स नॉट अ कॉमेडी टेक्निकली। हल्ला मैं तो नहीं मचा रहा हूँ, ये तो बिल्कुल गलत सूचना मिली आपको कि मैं इस फिल्म में हल्ला मचा रहा हूँ। हाँ ये बात है कि एक चौकीदार है हमारी बिल्डिंग में जो कि रात को हर आधे घंटे में एक सीटी बजाता है, और वो सीटी बजाने की हिदायत उसको मेरे कैरेक्टर ने दी है जो कि जनार्दन है, बहुत ही खड़ूस किस्म का इंसान। तो डायरेक्टर से लेकर के यूनिट और एक्टर्स सबके मन में कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस थी कि भाई सब ठीक ठाक होगा, पहली बार कर रहे हैं कुछ गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन उस नर्वसनेस का एक फ़ायदा ये हुआ कि सब लोग 24 घंटा अलर्ट रहते हैं। आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ जब काम करते हैं कई बार भूल चूक हो जाती है, क्योंकि आप मान कर चलते हैं हाँ मुझे पता है हो जाएगा कर लेंगे, यहाँ किसी को पता नहीं। हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक ज़रूर एक वाक़या हुआ होगा जो हमारे फिल्म में दिखाए गए हैं, वेरियस इंसिडेंसेस, कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी में एक इंसिडेंट तो हुआ ही होगा। तो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग मोर देन द यू नो कॉमिक टाइमिंग और एनीथिंग ऑफ दिस फिल्म, इट इज़ बेसिकली द आइडेंटिफाइबिलिटी ऑफ दिस फिल्म, फ्रॉम चाहे वो बिल्डिंग का वॉचमैन क्यों ना हो, चाहे वो बिल्डिंग में कोई काम करता हुआ नौकर क्यों ना हो, या फिर रहने वाले, तो हर किसी के साथ कहीं ना कहीं एक यू नो इंसिडेंट हो ही है। तो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग ऑफ दिस फिल्म। www.erosentertainment.com